आप क्या समझ रहे हैं, हमारे को चुड़िया पहन के समझ रहे हैं? हम एक इज्जत के दायरे में, हम हमारी असलियत पे आए ना, आप भागते यहाँ से। अरे क्या एसीपी साहब, आप बोल करके नहीं बोले? हम नहीं नहीं साहब, एक बात बोलो, मैं उन लोगों के साथ क्या कर रहे बोलो? नहीं नहीं, एक ही चीज है साहब, आप गुरगुलू कैसा बोलते हमारे को? अरे नहीं बोलते वैसा, कैसा बोलते? अरे क्या बच्चे छत पर आके बोलते हैं? इतने जने बोल रहे हैं, आपके बाद में नहीं है आपको? इलीगल गैस भरते वहाँ पे, आप लोग एक्शन ले लेते उन लोग। सुनो आप, मैं बोलता हूँ आपको, इसे पहले ही बोला, श्रीनिवास साहब की ब्लेसिंग है उन लोगों के ऊपर, ब्लेसिंग है उनकी, उन लोग करप्ट ऑफिसर है, मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे आप तुर्कुल बोलना हमारे को, आप तुर्कुल लंजागुड़ को बोले तो हम सुन लेना, तो हम सुन लेना, लंजागुड़ को बोले तो सुन लेना। हम कंप्लेंट देने आए तो थुड़कुलू बोले, लंजा चुड़कू बोले, और सरकार साहब अभी झुड़की दिए, कैसा जाते? आप उन लोग करो, हमारे आप ऐसे करो, उन लोग मार खाए वालों को मार। एमएलए साहब बात करके निकले, उन्होंने जवान दिया, पर जवान पे रहेंगे, जवान पे रहेंगे जो घोड़ा बंद कर देंगे, उन्होंने केसेस बुक कर देंगे, नहीं वो तो एमएलए साहब है, जब है पर सर बोल क्या दूसरी चीज और एक बात नहीं है। और इनको मिला पुलिस आज सैयद नगर में शाम में एक अननेसेसरी एक झगड़ा हुआ, उस झगड़े का मेन ये था कि एक माप 10 से 12 जने मिलकर जो मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं वो मुसल्लियों को गैर जरूरी में मारे हैं। इंक्वायरी करने पे पता चला कि दोपहर में उनका किसी से झगड़ा हुआ था, उसका रिवेंज लेने के लिए आए, जबकि वो लोग नहीं मिले तो पलट के दूसरे आम जनता को मारना पब्लिक को शुरू करें। उसके लिए यहाँ पर आज जितने भी सैयद नगर के लोग, अहमदनगर के लोग बंजारा हिल पुलिस स्टेशन को आए, फार्मर मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन साहब ने आकर एसीपी सर्कल सबसे बातचीत किया, उसके बाद मैं खुद भी आया। हमारा मेन मकसद यह है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना नहीं है, मगर जो गलती करा उसको सजा दिलाना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा एक्यूज है जिसका नाम अख्तर है, जो बार बार गलतियां कर रहा और बार बार एक दहशत फैला रहा है, तो मैं खास तौर से एसीपी साहब से ये रिक्वेस्ट किया हूँ, इसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाए और दोबारा, ताकि कोई ऐसा हालात ना पैदा हो, और जो जो लोग को मार पड़ा इंशाल्लाह ताला उन लोग का कंप्लेंट लेने के बाद केस बुक किया जाएगा, और जो भी कसूरवार है उसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। मैं तमाम जितने लोग यहाँ पर आए हैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि आज ईद के दिन हर आदमी अपने घर पे मेहमान आता है, बहनें आते हैं, कुछ लोग अपने ससुराल में मिलने जाते हैं, मगर आप लोग जो एक यूनिटी का सबूत दिया है, सैयद नगर में अगर कोई छोटा मोटा भी हादसा होता है तो जो गलती करता है उसको सज़ा दिलाने के लिए आप लोग पूरे जमा होते हैं, मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको मीडिया के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ
कि इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। अगर थोड़ी बहुत भी नरमी रहेंगी तो इंशाअल्लाह नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी बात हुई है, सदर मजलिस इस ताल्लुक से इमीडिएट एक्शन लेंगे और कमिश्नर से भी बात करेंगे। मैं खुद भी इंशाअल्लाह DCP कमिश्नर से सबसे बात करके एक्शन लिया जाएगा। तो मैं फिर आप लोग को यह कहता हूँ कि जाइए अपनी जीत सुकून से मनाइए, इंशाअल्लाह बाकी काम आप हमारे पे छोड़ दीजिए, हम लोग देखेंगे। बहुत शुक्रिया।